हाय गाइस, आई एम नेहा। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल क्यूटी ब्लॉग्स विद नेहा के साथ। आज मैं वीडियो का बनाने का सोच रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूँ। तो बैठे बैठे मन में ख्याल आया कि चलो आज मैं कुछ बात ही करके देखती हूँ, कैमरे के सामने बोल के ही देखती हूँ। मतलब जब अपने अंदर से एक डर निकल जाता है ना, उसके बाद कुछ भी काम करने का अलग ही मज़ा होता है। सो मैंने यही सोचा कि आज YouTube पे मैं कुछ बोल के कैमरे सामने आके अपने आप को देखती हूँ कि हाँ मेरे अंदर वो काबिलियत है कि नहीं है। मैं वैसे YouTube पे वीडियो बनाने का बहुत दिन से सोच रही थी, पर समझ नहीं आता था कि कहाँ से स्टार्टिंग करूँ, क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे। मैं लोगों को ब्लॉग्स देखा करती थी और सोचा करती थी हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए। एक है ना कि अपन घर में बैठे बैठे क्या करें, घर में बैठ के भी कुछ करना चाहिए। अपने ऊपर शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। और फिर छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो बाहर निकल कर कुछ करना आसान नहीं रह जाता। अगर आप बाहर निकल के जाते हैं तो शायद बच्चों की वो परवरिश नहीं हो पाती है। ये मेरा ओपिनियन है कि एक माँ अपने बच्चे को घर में रहकर जितना सिखा सकती है, शायद बाहर रहकर उतना नहीं सिखा सकती है। मैंने हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचा है कि उनमें एक अच्छे संस्कार होएं। मैं कुछ भी करूँ तो वो मेरे में आगे आगे चले हैं कि मम्मा ये ठीक है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं घर में रहकर ही कुछ करती हूँ। हाँ, अब मैंने कोशिश की है YouTube पे आके आप लोगों के बीच आने की, आप लोगों से बात करने की, अपने आप को आप लोगों के सामने रखने की। मुझे भी तो पता चले मेरे अंदर कितनी काबिलियत है। या फिर शादी के बाद सिर्फ रोटी बनाना, बर्तन धुलना, सारे रिश्ते निभाना, यही अपनी कहानी रह जाती है। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे सपोर्ट करें और हाँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, लाइक कमेंट शेयर करने से मेरा हौसला यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें, मेरे हौसले को बढ़ाएं। थैंक यू।